एक बार फिर से भिवंडी शहर की धड़कन कहलाने वाली पावरलूम उद्योग नगरी ठप होती हुई नजर आई। भिवंडी शहर में टोरेंट पावर कंपनी की बड़ी लापरवाही के कारण फिर से टोरेंट पावर कंपनी के विरोध में पावरलूम बचाओ समिति भिवंडी की ओर से भिवंडी के प्रांत कार्यालय पर एक आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें भिवंडी शहर के सभी पावरलूम मालिकान, साथ ही साथ कारीगर, वर्कर और भिवंडी शहर के सभी राजनीतिक दल के लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। एक दिवसीय इस धरना में आप देख सकते हैं कि भिवंडी शहर के सभी पावरलूम मालिकान उपस्थित थे। ऐसे में भिवंडी के प्रांत कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना आंदोलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद प्रांत कार्यालय में जाकर प्रांत अधिकारी को एक ज्ञापन दिए। टोरेंट पावर की लापरवाही को लेकर भिवंडी शहर में कई ऐसे राजनीतिक दल के लोग सड़कों पर उतरते आए। ऐसे में आज पावर लूम बचाओ समिति भिवंडी की ओर से भी टोरेंट पावर कंपनी की जो बढ़ती बिल को लेकर शासन प्रशासन और साथ ही साथ टोरेंट पावर की मनमानी को लेकर आज हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए इस धरना आंदोलन के जो संयोजक थे, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता थे पावर लूम बचाओ भिवंडी समिति के, उन्होंने क्या कहा हमारे चैनल के माध्यम से, देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये आंदोलन हमको बहुत मजबूरी में करना पड़ा है क्योंकि पूरे शहर की रोजी रोटी का मसला है। हमने शहर के हालात को देखते हुए एक नई समिति बनाई है। बहुत सारे संगठन थे, सब लोगों से हमने राय मशवरा किया, लोगों ने हमको समर्थन देने का वादा किया। हमने पावर लूम बचाओ समिति भिवंडी के नाम से अपना संगठन गठित किया और आज 8 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई। वहाँ लोगों ने हमको विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आप धरना प्रदर्शन करिए, जो भी हो सकता है टोरेंट के खिलाफ करिए। उसके बाद हमारी एक मीटिंग 15 नवंबर को हुई। वहाँ कम से कम 2 से 2500 लोगों ने हाथ उठा के खड़े होकर हमको समर्थन देने का वादा किया, लेकिन उसी में से चंद लोग 5% लोगों ने हमसे गद्दारी की है, उनको भी हम देखेंगे। और बाकी हमारी मांगनी है कि जैसे टोरेंट पावर ने जो भी पावर सेक्टर पेनल्टी लगाई है वो पूरे महाराष्ट्र में किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर में नहीं है और उसको भिवंडी पे लगा दिया गया है। उससे भिवंडी के लोग काफ़ी परेशान हैं, वो पावर बिल भर नहीं पा रहे हैं और पावर बिल वो भरेंगे भी नहीं क्योंकि उनके पास इतनी ताकत ही नहीं कि वो पावर बिल भर सकें। एक बिल आई थी, ये भी 2-4 दिन में दूसरी बिल आ जाएगी, इसलिए लोगों ने अपना कारोबार बंद रखा है। और मेरी लोगों से अपील भी यही है कि जब तक ये मसला हल ना हो अपने कारोबार को बंद रखें। तो हमने 30 नवंबर तक की डेट दी है, लेकिन अगर बीच हमारा मसला हल नहीं हुआ तो इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। आज यहाँ पर जो धरना आंदोलन किया गया था, किस संदर्भ में किया गया? ये जो धरना आंदोलन शुरू किया गया है ये हमारे पावर लूम के हिसाब से है। पावर लूम भिवंडी के सब बंद पड़ गए हैं और 16 तारीख से जो चालू थे वो भी हमने बंद कर दिया है। ये पावर बिल की बढ़ोतरी, पावर बिल के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी किया है और उसके बावजूद सबसे बड़ा दादागिरी यहाँ टोरेंट पावर कंपनी जो बिजली सप्लाई कर रही है वो उसकी हठधर्मी या दादागिरी चारों तरफ से हो रही है। वो गवर्नमेंट कुछ कहती है तो उससे 1.5 गुना ये बढ़ा करके पेश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट हर जगह के लिए एक है, लेकिन सिर्फ भिवंडी में क्यों इस तरीके से हो रहा है? पावरलूम मालेगांव में भी चल रहा है, चल करंजी में चल रहा है, महाराष्ट्र के हर जगह पे पावरलूम चल रहा है, लेकिन वहाँ पे इस तरीके का नहीं है। हमारे बाजू में 200 किलोमीटर के बाजू में मालेगांव पावरलूम इंडस्ट्री है, उस तरीके के नहीं है क्योंकि वहाँ पर सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग MSDL है वो चला रही है। ये जो है फ्रेंचाइजी बढ़ोतरी है, ये जो टोरेंट पावर कंपनी है ये अपने मनमानी यहाँ पे जुल्म और शिद्दत की पहाड़ लोगों पर तोड़ रही है और ज़्यादा करके लोगों का जो गुस्सा है वो टोरेंट पावर कंपनी के ऊपर है। ऐसे पावर लूम जो है चारू है पूरी तरह, पहले कह सकते कि जो पावर लूम संघर्ष का जो आप लोगों ने एक समिति बनाया है उसमें पूरी तरह समर्थन नहीं मिल रहा है पावर लूम? समर्थन हमें 80% प्राप्त हुआ है और 20% पावर लूम बंद हैं। 20% पावर लूम जो है चालू हैं उसे भी बंद कराने की कोशिश की जाएगी और हमारी जो अभी डिमांड है कि तुरंत पावर फैक्टर पेनल्टी जो लगाई गई है कंज्यूमर पे उसको वापस किया जाए और अतिरिक्त बिजली बिल जो इस मरतबा इंक्रीज़ होकर आई है उसे वापस लिया जाए। देखो जब जब ये सरकार आई है, चाहे 99 में आई जाए बीजेपी की सरकार या अभी बीजेपी की सरकार आई है, जब जब ये सरकार आई है पावर लूम के हालात ख़राब हुए हैं। इनका ध्यान बिल्कुल पावर लूम डिसेंट्रलाइज, जो छोटे छोटी इंडस्ट्री है, ना सिर्फ पावरलूम बल्कि छोटी सभी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। बाद में उसके ऊपर हमारे ऊपर नोटबंदी का एक सितम आया, इन्होंने बैंक अकाउंट खोलने गया, बैंक अकाउंट में हमारे वर्कर अकाउंट खोलने आते थे उनका अकाउंट नहीं खोला जा रहा था और इस ताल्लुक से जो तकलीफ हुई और उसके बाद उसके ऊपर फिर 3 महीने में GST। तो ये सरकार जो है एक के बाद एक कानून ला के लोगों को उसमें उलझा के रखी है और आज लोग इस दहाने पर पहुँच गए हैं कि 60% पावरलूम टोटल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं।
आज हमारी समिति ने बंद का जो अनुभव किया है, आज मुझको तहसील देखा जाए पूरी समर्थन नहीं मिल पाया। देखिए पूरा समर्थन है, कहीं भी कोई भी आंदोलन होता है, कहीं भी आंदोलन 100% नहीं होता है, जितना भी हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसे में उन मजदूरों लेकिन क्या कहना चाहेंगे जो लेकिन लेकिन सुनो ना, आप पूरी बात सुन लो, लेकिन 80% समर्थन कोई छोटा समर्थन नहीं, जो 20% चालू हम लोग अप्रोच कर रहे हैं आज कल में, इंशाल्लाह ताला वो भी पूरे बंद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाकी जो है आज तहसील प्रांत साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी हमको कि मैं आप लोगों ने जो डिमांड हमारे सामने रखा है पहुँचाने के लिए मैं इसके समर्थन में हूँ। मांगनी जो पावर लूम से लग के की गई है, आज सालों साल से कुछ ना कुछ वजह से, कभी यान तो कभी मतलब कोई ना कोई वजह से पावर लूम दिन ब दिन बर्बादी होते जा रहा था। उसके ऊपर से ये टोरेंट की जो मनमानी, कुछ साल तो टोरेंट बराबर रही, उसके बाद में जब उसने उसकी गुंडई बोल लो या दादागिरी बोल लो इस तरीके से आ गई, और पुलिस के गन पॉइंट पे जो ये लोग चालू कर दिए केसेस करना 138, और ये जो अभी पावर बिल बढ़ के आ रही है, तो आज की हालत ये है कि अगर ये सारी चीज़ से नहीं संभला तो पूरा शहर आज मतलब तबाही के कागार पे जाके खड़ा हुआ है। मैं भिवंडी शहर के सभी पावर लूम मालिकों से जो 10-20% लोग चालू रखे हैं, क्योंकि शहर का मसला है, मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि हम सब एक साथ में एक ही प्लेटफॉर्म पे आएँ और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। चाहूँगा कि जो ये आज हम लोग एक दिवसीय जो आंदोलन किए प्रांत ऑफिस के सामने, प्रांत ऑफिस में हम लोग ने मेमोरेंडम भी दिए जो हमारी मांगनी है, क्योंकि भिवंडी शहर बर्बाद होने की कगार पर है, और भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है, पावर लूम इंडस्ट्री का एक यहाँ का ही कारोबार, पूरा कारोबार पावर लूम इंडस्ट्री पे हुआ है, और ये अगर इस तरीके से अगर पावर लूम मालकान परेशान रहेंगे और पावर लूम के जितने भी लोग हैं, हम लोग पावर बिल को लेकर अगर इस तरीके से टोरेंट दादागिरी करेगी और बिल बढ़ा के देगी तो हम लोग किसके पास जाए और कहाँ जाके मतलब हम लोग ये सब चीज़ करें, तो इसके लिए जो है आज आंदोलन किया गया है। सबसे पहले तो मैं जनता की आवाज़ जो आपका चैनल है उसको मुबारकबाद पेश करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भिवंडी के जितने मसाइल हैं, इसके पहले जो भी चाहे पानी पट्टी का रहा हो या खालिद गुड्डू साहब ने जो आंदोलन किया हो टोरेंट के ख़िलाफ़, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने उस मुद्दे को उठाया, तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। और आज ये जो शहर है बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहा है, ये हालत हो गई कि जो इसके पहले जो मंदी आई थी 1999 और 95 में, उस वक्त तो कुछ लोग चल सकते थे, लेकिन आज पावर बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब बहुत मुश्किल है, छोटे तमाम कारोबारी ख़त्म हो जाएंगे। सरकार जो है हमेशा ये कोशिश करती है कि जो लोगों को रोज़ी रोटी मिले, इसीलिए जो कृषि उद्योग है जो देश का को सबसे ज़्यादा काम देता है लोगों को, गरीबों को, उसके बाद सबसे बड़ा जो सेक्टर है उसके बाद पावर लूम का सेक्टर है, जिसमें अनपढ़ लोग, बगैर पढ़े लिखे लोग, आदमी 15 दिन में 1 महीने में आता लूम चलाना सीख जाता है, 1 महीने के बाद कांडी मशीन चलाना सीख जाता है, 15 दिन मेहनत करता है तो भीम भरना सीख जाता है, यानी जो बगैर पढ़े लिखे लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोगों को कृषि के बाद पावर लूम रोजी देता है। सरकार का एक ही उद्देश्य रहता है, कोई भी सरकार हो हिंदुस्तान के अंदर, कि लोगों को रोजी रोटी कैसे मिले। आज भिवंडी से लोगों को रोजी रोटी मिल रहा है, तो सरकार को इसको प्रोत्साहन देना चाहिए, इसको सब्सिडी देना चाहिए, ना कि यहाँ पे पावर बिल इतना बढ़ा देना चाहिए कि ये सरकार ये जो है यहाँ का कारोबार बंद हो जाए। पावर फैक्टर एक अहम मसला है यहाँ पे, कि भिवंडी का पावर फैक्टर लू इलेक्ट्रिक का पावर फैक्टर कैसे सही हो। सरकार इसके पहले जब टोरेंट कंपनी आई तो यहाँ लगभग 200 करोड़ रुपया सरकार ने टोरेंट को दिया यहाँ भिवंडी के वोल्टेज को सही करने के लिए। 10-11 साल हो गया जब आज तक ये वोल्टेज नहीं सही कर पाए। आप कारखाने में जाओ कितना ज़्यादा वोल्ट रहता है, ज़्यादा वोल्ट होने से मीटर ज़्यादा भागता है, एक कारण है। जब यहाँ टोरेंट पावर 10-11 साल में पूरी ताकत लगा के नहीं सही कर पाई, तो आप फौरन आर्डर करते हैं और हमको कहते हैं कि आप अपने कारखाने का वोल्टेज सही करिए, पावर पैनल लगाइए आप। हम कैसे इतना जल्दी लगा पाएंगे? एक तो सबसे पहले हमारी मांग है कि यह ख़त्म होना चाहिए, सरकार वापस ले, और ये टोरेंट के तरफ से MSEDCL के लोग खुद इसको पावर जो फैक्टर है सरकार सही करे, लेकिन अगर नहीं होता है तो हमें इसके लिए वक्त चाहिए, हम इसके लिए सोचेंगे। ये जो पेनल्टी लगाया है फौरन वापस किया जाए, अगर पेनल्टी रहेगी तो तमाम लूम बंद हो जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News। धन्यवाद।